स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून, क्या आप सभी ने खाना खाया? ओके तो बच्चों, पिछले क्लास में हमारा ये टॉपिक हुआ था पेज नंबर 5। ओके तो इसका भी दूसरा पार्ट में यहां पर है बच्चों, ये रहा पेज नंबर 6 के ऊपर। ओके तो यार दूसरा पार्ट हम आज सीखेंगे। तो बच्चों देखिए, दोनों ही लिप्स में देखिए, ये एक शेप है, थोड़ा लंबा है, ये भी ये परफेक्ट एक शेप में दिया है। ओके बच्चों, तो पहला वाला है आपका वो फर्स्ट स्टेप इस तरह आता है। ओके सेकेंड स्टेप इस तरह हो गया है लाइन। ओके और हमारा थर्ड स्टेप फिर से ऐसे में ये लाइन में डबल करनी है, देन ये आपको एडजस्ट करना है, देन यहाँ पर एक लाइन देखिए आपका है, थर्ड वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। देखिए बच्चों इतना इजी है, अब ये पार्ट करना होगा, उसके बाद ये सेकेंड वाला आपको क्रॉस में एक निकालना है, फिर से और एक निकालना है, उसको क्या करना है बच्चों, यार बीच में से लाइन निकालनी है, उसके बाद यहां से ये आपको बस इस तरह से करना है, उसके बाद ऊपर और नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, ऐसे थ्री स्टेप्स कर रहे हैं। सेम आपको ऑपोजिट भी करना है, ऊपर यहाँ तक नीचे, फिर से ओके। ठीक है बच्चों, तो थर्ड वाला स्टेप मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, थर्ड वाला स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट डायरेक्ट निकालने से क्या होता है बच्चों, एक एक बार ये जो शेप दिया है उस टाइप का शेप नहीं आता। ओके इसलिए प्लस हमें फिर से इस तरह से कर लेना है, देन लाइन, उसके बाद ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए इस तरह से करना है और ये आपको फिनिश कर देना है इस तरह से, और इसके अंदर इस तरह से लाइंस भी काम है। देखिए ये वाला लाइन का पूरा हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखें बीच में येलो कलर दिया है, और यहाँ ये जो इसका बॉर्डर लाइन है वहाँ पर ग्रीन कलर है, और ये ऊपर का है वहाँ पर पूरा आपको ग्रीन कलर देना है। ओके फर्स्ट आपको बच्चों ये और ये एक्स्ट्रा ड्राइंग में एक टाइम फर्स्ट कर लेना है, उसके बाद आपको इस वाले बुक में करना है, और ओनली थर्ड वाले स्टेप को आपको कलर देना है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक एक रेफ्रिजरेटर है, यानी कि एक फ्रिज है बच्चों, ये हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके इसके लिए आपके पास स्केल होनी जरूरी है, स्केल कंपल्सरी है बच्चों, ठीक है। तो ये हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके बच्चों बाय।